आप देख रहे हैं TNN सेकुलर और आपके साथ मैं हूं फिजा काजम। सनी देओल भारतीय सिनेमा का बड़ा चेहरा, लेकिन राजनीति में भी इनकी अच्छी पैठ है। माँ हेमा मालिनी बीजेपी से लोकसभा की सदस्य हैं, तो पिता धर्मेंद्र के भी राजनीतिक संबंध काफी मधुर रहे हैं। लेकिन अब गुरदासपुर सीट से बीजेपी के सांसद सनी देओल गुमशुदा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गुरदासपुर की दीवारों पर ऐसे कई पोस्टर लगे हुए हैं, और इसे लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने आज से एक साल पहले पूरे दिल से सनी देओल को गुरदासपुर का सांसद बनाया था। जिन हाथों ने सनी देओल के स्वागत के लिए फूल बरसाए थे, वो हाथ आज गुरदासपुर की दीवारों पर उन्हीं की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर हैं। जिन गुरदासपुर की गलियों में सनी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिस क्षेत्र के विकास के वादे किए थे, आज उस क्षेत्र के लोग पलके बिछाए विकास की आस देख रहे हैं। गुरदासपुर के जिन लोगों ने सनी देओल को सत्ता तक पहुंचाया था, वो आज ये समझ गए हैं कि एक अच्छा अभिनेता जरूरी नहीं एक अच्छा नेता भी बन सके। दिलचस्प बात तो ये है कि सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में लगाए गए हैं। पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास ऐसे कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सनी देओल को लापता बताया गया है। अपने एमपी की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने वाले लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव गुजरने के एक साल बाद भी सनी ने गुरदासपुर का दौरा नहीं किया है। जो पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं, उसमें सनी देओल की तस्वीर लगी है और साथ ही ये भी लिखा है गुमशुदा की तलाश। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुरदासपुर सीट से एमपी सनी देओल सिर्फ गुरदासपुर से ही गुमशुदा है या वो अपनी निजी जिंदगी में भी कहीं गुम है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हमने उनकी तलाश सोशल मीडिया पर की तो गुरदासपुर के गुमशुदा सनी ट्विटर पर नजर आए, जहां वो लोगों को लोहड़ी की बधाई अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से देते दिखाई दिए। लेकिन शायद सनी ये भूल गए हैं कि जहां के वो एमपी हैं, वहां के लोग उन्हें तलाश रहे हैं, उनके गुमशुदगी के कई पोस्टर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि गुरदासपुर के सांसद सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र कब पहुंचते हैं और गुरदासपुर के गलियों में लगे खुद की गुमशुदगी के पोस्टरों को कब हटाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अभिनेताओं को सत्ता का ताज पहनाना जनता की ही भूल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल TNN सेक्युलर में इतना ही।